हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने गांव का एक टूर कराऊं और आपको दिखाऊं, और आप लोग बताइएगा कि कैसा है मेरा गांव। तो चलिए, आज टाइम फाइनली निकाल लिया हूँ। आज दिन है संडे और आज आपको दिखाएँगे, अपना गाँव का फुल टूर कराएँगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा मेरा गाँव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं अपने गांव के जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हूँ। एक ये जो रोड है, ये सामने से एक ये रोड आता है, जो ये सामने मेरा गांव आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जाता है। प्लस एक ये सामने एक रोड है, और वहाँ पे आप सामने जस्ट देखेंगे तो वो मेन रोड है, और ये रोड उसी में जाके आगे ऐसे ब्रांच से ऐड हुआ है, और ये रोड भी उधर से ऐड हुआ है, और इस ये भी आके इधर ही ज्वाइंट होता है। तो इस ये रोड देखिए कितना अच्छा है, और रोड के दोनों साइड पेड़ देखिए कितना लगा हुआ है। इतना पेड़ शायद इस एरिया में किसी रोड के किनारे पर नहीं होगा जितना यहाँ पे पेड़ आपको दिखेगा। यहाँ पे पीछे का व्यू आप लोग देख पा रहे होंगे कितना ग्रीनरी है यहाँ पे। देखिए ये जो मेन एक ये ब्रांच रोड है, जो उधर एक मेन रोड है उसमें आके ऐड हुआ है। देखिए पीछे ऐसा लग रहा है जैसे बगीचा हो। रोड ये पीछे देखिए, ये रोड है, और ये देखिए दोनों साइड में कितना पेड़ है। इसमें लग रहा है जैसे बगीचा है ये। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये जामुन कितना गिरा हुआ है यहाँ पे, जिसको लोग हम लोग बाहर खरीदते हैं, और यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है इसको। ये पूरा जामुन देखिए गिरा हुआ है। अब ये रोड है, ये मेरे गाँव के अंदर इंटर करेगा, और बाहर से आपको बिल्कुल भी दिखेगा ही नहीं कि इस गांव के अंदर कोई रहता भी होगा। इतना चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ है, ये बगीचा ही बगीचा है चारों तरफ, मतलब चारों साइड में आपको बगीचा ही दिखेगा। ये देखिए आपको आसमान में बादल दिख रहे होंगे, बादल लगा हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है यहाँ पे। और बारिश ना होने के कारण देखिएगा आप, ना के बराबर मेरे गाँव में अभी धान हुआ है, धान के खेतों में। देखिए पूरा जो बिया होता है, बिया ऐसे रखा वो लगा हुआ है खेतों में। अब पता नहीं कब ये होगा, टाइम तो निकल गया है धान की खेती का। अब की बार बारिश कम होने की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो बहुत ये पूरा धान ही धान की खेती होती थी पूरा यहाँ पे। ये पीछे देखिए, ये फाइनल व्यू देखिए। ये आपको भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर कोई रहता भी होगा या फिर कोई घर, आपको बाहर से कुछ ऐसा लग नहीं रहा होगा देखने में, लेकिन इसमें एक छोटा सा गांव है, 60 या 65 घर के आसपास में है इस गांव में, लेकिन बहुत ही शांति है इस गांव में, जो कि मुझे एकदम लगता है कि नेचुरल एक जो गांव होता है, जो जिसको गांव बोला तो वैसा एकदम गाँव है। ये देखिए देखिए क्या मस्त व्यू है, बगीचा है, शायद आपको एक दो घर भी दिख रहे होंगे इसमें। ग्रीनरी देखिए, यहाँ पे आपको देखिए चिड़ियों की चकचकाहट सुनाई दे रही होगी। गांव में जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बांस का चचरा बना हुआ है, जो कि यहाँ पे सारे गांव के लड़के यहाँ पे आके बैठते थे। और आज का समय देखिए, यहाँ पे पूरा सन्नाटा है, कोई आपको दिखेगा नहीं। सब लोग अब भाई पैसा कमाने के लिए बाहर चले गए हैं। बाकी ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे गांव का। गांव के जैसे बीचों बीच पहुँचेंगे, यहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर है, और यहाँ से पीछे ये रोड सामने वाला, ये नीचे एक रोड है जो अभी नया बना है, और नीचे एक नदी है वहाँ तक जाता है, और ये एकदम जस्ट बीचों बीच दुर्गा माता का मंदिर है। ये अभी चल रहे हैं गांव में, ये गांव का वेस्ट साइड है, पश्चिम साइड है, और गांव जस्ट पश्चिम है। यहाँ पे भी देखिए आप लोग को बगीचा ही दिखा, चारों तरफ बगीचा ही बगीचा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, आपको दिखेगा ही नहीं
कि इसमें कोई रहता भी है इस गांव के अंदर। अभी 360 वीडियो आपको दिख रहा होगा, दिखाता हूँ आपको 360 वीडियो। और कुछ लोग मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सामने आप लोग देखेंगे इसमें। अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे, नदी है जस्ट इसके जस्ट बगल में, एक नदी भी है। ये देखिए कितना एडवेंचरस है ये, डर भी लगता है कभी कभी इसमें। और आपको दिखा देता हूँ, इस बगीचे के जस्ट बगल में नीचे की तरफ एक नदी भी है। और ये देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है, ये किसी जंगल से कम नहीं है। ये जंगल है। और यहाँ से नीचे एक ये देखिए, ये कि अभी तो सूखा हुआ है, बारिश अब की बार कम हुआ, नहीं तो ये पूरा यहाँ ऊपर तक, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये लोग उतर रहे हैं वहाँ से, वहाँ तक ये पूरा पानी से भर जाता है। अभी लोग हम लोग यहाँ पे आ नहीं पाते। और ये देखिए पूरा पानी है, और डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे देखिए एक ये नया रोड बन रहा है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा ये, क्योंकि नदी बढ़ेगी इधर और ये फिर पानी बह जाएगा। और ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, इसमें लड़के यहाँ से चढ़ के इसमें से नीचे कूदते थे पहले, बहुत ज़्यादा हाइट पर से। और ये तो कट गया है, और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, ये गिर गया है। और ये रोड जो देख रहा है, नया नया रोड अभी बना है, लेकिन इसका कोई अभी तो नहीं ख्याल, लेकिन बाद में बेनिफिट होगा। और ये देखिए नीचे का रोड है, वो हाइट है, वो हाइट है हमारे गांव का, और ये पूरा पानी से भर जाता है। और जैसे जस्ट आप यहाँ पे आएंगे नदी के बगल में, यहाँ पे छठ पूजा जो होता है, तो वहीं यहीं पे है जस्ट बगल में, वहाँ भी चल के देखेंगे कितना साफ है या कुछ वहाँ पे जंगल उंगल टाइप में हो गया, घास वास जम गए होंगे वहाँ भी। और ये वो स्थान है जहाँ पे छठ के समय पूजा होता है, यहाँ पे ये छठ पूजा का स्थान है। और ये पास में ये आपको दिखाया हुआ कि नदी भी है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे पहले बहुत बड़ा ग्राउंड था और यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन आज ये हालत देखिए यहाँ पे क्या सीन है इस समय, और कोई खेलने वाला भी नहीं है इस समय। और ये गांव के बाहर बाहर से एक रोड है जो मेन रोड में जाके अटैच हो रहा है, और बाकी आने वाले समय में भी एक यहाँ से एक रोड बन रहा है, अभी आपको आगे से दिखाऊंगा, जो कि इस नदी के ऊपर से एक ओवर ब्रिज बनेगा और डायरेक्ट आदमी मेन जो रोड है उसमें जाके अटैच हो जाएगा। ये गांव के जस्ट पूरब में एक ये रोड बन रहा है जो काफ़ी चौड़ा रोड है, और ये मेन जो आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें जाके ये रोड आगे जाके मेन रोड में ये अटैच हो रहा है, और बाकी ये मेन रोड ये बन जाएगा मेरे गांव के जस्ट पूरब से। और यहाँ पे नीचे से यहाँ से एक ओवर ब्रिज बनेगा, और यहाँ से ये जो रोड आगे तरफ जा रहा है यहाँ से एक ओवर ब्रिज बनेगा, और सामने एक आपको हो सके तो यह मंदिर दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, वहाँ तक ये ओवर ब्रिज बनेगा। ये नीचे नदी का एरिया है सब, अभी तो खैर पानी नहीं है तो ये बचा हुआ है, नहीं तो पानी से पूरा भर जाता है, इस साल बारिश कम हुआ इसलिए। तो ये मेन रोड बन जाएगा और काफ़ी लोगों के लिए सुविधा भी हो जाएगा यहाँ के लोगों के लिए।
नदी में अभी हम लोग चल रहे हैं और ये सब नदी का ही एरिया है। ये थोड़ा बहुत देखते हैं नदी में पानी कितना है, अंदर अंदर भी चलेंगे। ये है नदी और इसमें थोड़ा उतरेंगे अभी हम लोग, पानी के अंदर चल रहे हैं। पानी पानी में चला जाए, देख कितना गड्ढा है। ये देखिए मछली पकड़ रहा है, ये ट्राई कर रहा है मछली पकड़ने का। बाकी इसमें पानी है, पानी तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अभी देखिए यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, थोड़ा बहुत फोटो शूट यहाँ करेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पे हमारा फोटोग्राफर यहाँ पे आना, और देखिए यहाँ पे हम लोग पानी के अंदर घुसे हुए हैं, पानी के अंदर बैठ के फोटो शूट कर रहे हैं। माय विलेज टूर कैसा लगा वीडियो? चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले अपना।